जिला स्तरीय राष्ट्रीय भूमिका अभिनय का प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में किया गया, जिनमें जिले के 32 स्कूलों के 160 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भूमिका अभिनय प्रतियोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किशोर अवस्था वाले 9वीं कक्षा के बच्चे भाग लेते हैं। इस अभिनय में बच्चों को ये समझने की कोशिश की जाती है कि बच्चे अपने अंदर हो रहे परिवर्तन को कैसे समझें, उनके मार्गदर्शन के लिए अध्यापकों और माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है। विद्यार्थियों ने किशोरों के बीच स्वस्थ संबंध बनाना, किशोर अवस्था में आकर्षण एवं चुनौतियाँ, HIV कोई कलंक नहीं है और किशोरों के लिए कई खतरे आदि विषयों पर अभिनय प्रस्तुत किए। इस प्रतियोगिता में प्रवीण कुमारी और श्यामली जम्बाल ने प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर और अश्विनी चंबियाल ने विजेता बच्चों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ा की टीम प्रथम रही, जो SCERT सोलन में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जिला हमीरपुर का प्रतिनिधित्व करेगी। वहीं जलाड़ी स्कूल दूसरे स्थान पर और डिडमी टिक्कर तीसरे स्थान पर रहा। आज हमारा जिला स्तरीय नेशनल रोल प्ले कॉम्पिटिशन है, दोनों कॉम्पिटिशन, दूसरा हमारा नेशनल फोक डांस का कॉम्पिटिशन है। तो आज के दिन लगभग 32 स्कूलों के हमारे पास 160 बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है SCERT सोलन इसको करवाता है और सारा का सारा जो फाइनेंस करते हैं SCERT सोलन की तरफ से होता है, डिपार्टमेंट इसमें उनकी मदद करता है। इस प्रोग्राम का जो महत्व है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के बीच में हमारे जो जिन बच्चों को हम किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे हमारे 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने रखा होता है। इसके लिए जो टॉपिक थे वो थे कि बच्चों में किशोर अवस्था के दौरान जो उनके अंदर चेंजेस आती हैं उनके ऊपर बच्चे जो हैं रोल प्ले करेंगे और जो हमारे मादक पदार्थ जिन्हें हम नशा जो बच्चे करते हैं नशे के ऊपर इसका एक रोल प्ले के लिए कॉम्पिटिशन्स के लिए रखा था और तीसरा कि एड्स जो होती है ये कैसी बीमारी है इसके ऊपर बच्चे जो हैं इसके बारे में जानेंगे और जो युवा जो हमारी किशोरियों के लिए जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर, तो लगभग इस प्रकार के जो टॉपिक रख के मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं इस किशोर अवस्था से उनको किस प्रकार से निपटना चाहिए, उनके अंदर जो चेंजेस आती हैं चाहे वो फिजिकल चेंजेस हैं या दूसरी चेंजेस हैं उनके मन के अंदर, उनकी जो सोचने की जो एक क्रिया होती है उसमें भी चेंजेस आती हैं, उन चीज़ों से जो उनकी चुनौतियाँ मिलती हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है उसके बारे में इन नाटकों के माध्यम से वो सीखते हैं। वास्तविक में नाटक और रोल प्ले में इतना ही अंतर होता है कि जो वास्तविकता होती है, एक वास्तविक जो प्रतिबिंब है किसी भी करेक्टर का, किसी भी आचरण का, उसको ये हम रोल प्ले के माध्यम से बच्चे जो हैं उसका निरूपण करते हैं और उसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो हमारा फोक डांस है, फोक डांस का जो महत्व है वो यह है कि हमारा जो कल्चर है, जैसे आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है हम बड़े भारी रिच हैं। अगर हम चंबा की बात करें, अगर हम शिमला की बात करें और हम कांगड़ा की बात करें, किसी भी जिले की बात करें, कुल्लू की बात करें, हमारे जो डांस होते हैं, हमारे जो नाटियाँ होती हैं, हमारे जो लोकगीत हैं उनके संरक्षण के लिए ये जो कार्यक्रम में समझता हूँ बहुत सहायता करता है और ऐसे कलाकारों को उनको प्रोत्साहित भी करता है जो हमारी संस्कृति को लेकर उसको संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सहायता कर रहे हैं और उनके लिए एक स्टेज का भी माध्यम, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि बच्चे जो अपनी प्रतिभाओं का, जो उनके अंदर प्रतिभा है उनको हमारे सामने लोगों के सामने दिखा सकें और उन प्रतिभाओं में किस प्रकार की अगर कोई कमी रहती है उनके जजेस जो हैं उनकी देखरेख में उनको आगे बढ़ने को मौका मिलता है। जहां तक मैं समझता हूं कि संस्कृति को बचाना, जैसे भारत की संस्कृति हम कहते हैं कि सबसे जो पुरानी संस्कृति है हमारे भारत देश की है, इसी प्रकार हम प्रदेश स्तर पर भी बात करते हैं तो हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की जो वेशभूषा है, हिमाचल की जो नाटियाँ हैं, हिमाचल के जो लोकगीत हैं उनके संरक्षण के लिए और आने वाली पीढ़ी को उसको अवगत कराने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया है।